हेलो दोस्तों, कोमल की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गुजिया, जो कि सबके घरों पे बनने वाली होती है। दिवाली पे स्पेशल गुजिया जो सबके घरों में बनती है, बहुत ही खास होती है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के मैदा ली है और एक कटोरी मैंने मावा लिया है, और इसके बाद मैंने लिया है कटा हुआ ड्राई फ्रूट, और थोड़ी सी मैंने सूजी ली है, और कसा हुआ मैंने नारियल लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आटा गूंथेंगे इसका। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी आटा लिया है, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें घी पिघला हुआ, और अच्छे से हम घी को मेल्ट करेंगे पूरे आटे में अच्छे से, इस तरह से, ताकि हमारे पूरे आटे में घी मिक्स हो जाएगा तो हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी। और अगर हम कम घी डालेंगे तो इसका डो अच्छा सा तैयार बन के नहीं होगा, तो हमारी गुजिया खाने में अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से मैंने इसका डो बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे इस तरह से। तो चलिए अब किस इसकी स्टफिंग बनाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच मैंने घी डाला है, इस तरह से हमने 2-3 चम्मच घी डाल दिया है, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूजी, और सूजी को हम अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से हमें सूजी को भूनना है। अगर पहली बार हमारे चैनल पर दोस्तों हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे जब तक हमारी सूजी भी बिल्कुल भुन के तैयार हो गई है, कलर भी देखिए एकदम चेंज हो गया है, तो हम सूजी को निकाल लेंगे एक प्लेट में, और वापस उसी पैन में हम भूनेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच भर के बड़ा हम घी डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, और इनको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से हल्की खुशबू ना आने लगे। देखिए इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट भुन रहे हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे कसा हुआ नारियल, इसको भी हम भून लेंगे। नारियल को हमने इसलिए पहले नहीं डाला था, ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो हमने इसको लास्ट में डाल दिया है ताकि हमारा अच्छे से नारियल जले भी ना और भुन भी जाए ड्राई फ्रूट के साथ। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट भी भुन के एकदम तैयार हो गए। तो उसी बाय फ्राई पैन में वापस हम मावा भूनेंगे। मावा में हम घी नहीं डालेंगे, मावा में पहले से ही घी होता है, जो हम दूध का बना हुआ मावा लेते हैं ना, तो उसमें घी होता है, जब हम गर्म पैन में डालेंगे तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम मावा को भी हम फ्राई कर रहे हैं, और वापस इसी में जो हमने ड्राई फ्रूट भुने हैं और जो मैंने सूजी भून के तैयार की है वो भी डाल दी है इसी में, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2-3 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी। चीनी को आपको इसमें ये मिश्रण ठंडा होने के बाद ही डालनी है। अगर आप मावा को ठंडा नहीं होने दोगे, पहले ही डाल दोगे, तो एकदम ये चीनी एकदम गीली हो जाएगी और सूखी सूखी नहीं रहेगी। इस तरह से आपको ठंडा होने के बाद ही चीनी डालनी है। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैंने चीनी डाली है, और देखिए इसका टेक्सचर देखिए एकदम। और वापस हमने जो आटा गूंद के रखा था उसको वापस हम थोड़ा इस तरह से गूंथ लेंगे। इस तरह से हमने आटे को सही कर लिया है, और इस तरह से इसको तोड़ेंगे बीच से, और इसकी हम बना लेंगे लोइयाँ। तो इस तरह से हम लोई बना के तैयार करेंगे। आप चाहो तो छोटी या बड़ी रख सकते हो, और लोई की शेप आप कैसी भी दे सकते हो, क्योंकि हमें तो पूड़ी बनानी है इसकी। इस तरह से मैंने लोई बनाई है। इस तरह से हमारी
सारी लोई बन के तैयार है। और एक लोई हम लेंगे इस तरह से और हम इसको बेलेंगे। इस तरह से हमें पूड़ी की सेप देनी है इसको, और मोटी नहीं रखनी है, ज़्यादा पतली रखनी है। ज़्यादा हम मोटी परत रखेंगे तो गुजिया हमारी खाने में नहीं अच्छी लगेगी। और इसको हम पतला ही रखेंगे, एकदम पतला बेलेंगे। देखिए मैंने कितना पतला बनाया इसको, पूड़ी को देखिए इस तरह से। देखिए हमारी एक पूड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई, और दूसरी भी हम इसी तरह बेल लेंगे। इस तरह से हमें दूसरी भी पूड़ी बेल के तैयार कर लेनी है, क्योंकि सबके घरों में दिवाली पे गुजिया बहुत ही बनती है, सबके घर में बनती है। ऐसा ही कोई घर होता है जिसमें नहीं बनती, नहीं तो बाकी सारे घरों में गुजिया बनती है दिवाली पे। दिवाली की जान गुजिया सबको बन। तो इस तरह से हमने दूसरी पूड़ी भी बिल्कुल बेल के तैयार कर ली है, और सारी पूड़ियाँ हम इसी तरह से बेल के तैयार करेंगे। देखिए हमने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं, अब हम इनको बनाएंगे गुजिया। तो यहाँ पे मैंने गुजिया का स्टैंड ले लिया है, और उसमें इस तरह से हम गुजिया बनाएंगे। मैंने एक पूड़ी ले ली है और इस सांचे के ऊपर मैंने रखी है इस तरह से, और इसको साइडों में मैंने पानी लगाया हल्का हल्का, और बीच में हम इस तरह से स्टफिंग भरेंगे जो हमने मावा की बना के तैयार की है। इस तरह से हमें एक उंगली से कर देना है ताकि हमारा इधर उधर मिक्सर ना फैले। अगर ये फैल जाएगा इधर उधर तो हमारी जो गुजिया है ना, जब बाद में हम सेकेंगे इसको तो ये निकल जाएगी। इस तरह से आपको अच्छे से इसको बनाना है। देखिए इस तरह से हमने गुजिया बना के बिल्कुल तैयार कर ली है, देखिए। और दूसरी भी गुजिया हम इसी तरह बना के तैयार करेंगे जिस तरह से हमने पहले तैयार की थी। इस तरह से हमने पूड़ी को रखा है, देखिए, और बीच में हम दोबारा उसी तरह से इसकी स्टफिंग भरेंगे। मावा हमें उतनी भरनी है जितनी हमें अंदर जोत सके, क्योंकि बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो हमारी भूनते समय ये निकल जाती है तो बेकार हो जाती है, पूरी गुजिया बेकार हो जाएगी। और पानी भी इसी तरह हमने साइड साइड लगा दिया है। पानी हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारी गुजिया अच्छे से बंध जाए, बाहर से निकले ना, इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे आटे को। देखिए इस तरह से हमने दूसरी भी गुजिया बिल्कुल बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे सारी गुजिया मैंने बना के तैयार कर ली है। तो एक गुजिया को मैंने लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल डाल के गरम कर लिया था, और धीमी आंच पे है एकदम। और गुजिया को हम इस तरह से सेकेंगे, देखिए इस तरह से हमें गुजिया को सेकना है। यहाँ पे देखिए हमारी गुजिया एकदम सेक के तैयार है, और हम इसको वापस निकाल लेंगे एक प्लेट में। और देखिए कितना अच्छा सा फ्लेवर, एकदम ना तेल है गुजिया के ऊपर ना कुछ। तो वापस हम दोबारा डालेंगे कढ़ाई में। इस तरह से हम फटाफट बना लेंगे गुजिया को, देखिए इस तरह से हम पलट देंगे इनको दूसरी साइड से। इस तरह से हमें गुजिया को सेकना है, और ज़्यादा लाल नहीं करना, नहीं तो हमारी गुजिया दिखने में अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से देखिए गुजिया का कलर एकदम, टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है, देखिए।
इसी तरह से हम सारी गुझियों को सेक लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी गुजिया एकदम सिक रही है बढ़िया से, और हमारी कोई गुजिया फटी नहीं है, कोई भी निकली नहीं है। देखिए सारी गुजिया एक जैसी बनके हमारी तैयार हुई हैं। देखिए हमारी बिल्कुल गुजिया भुन के तैयार हैं। इसको हमने एक प्लेट में अच्छे से रख दिया और सजा दिया है इनको, और इस पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने रख दिया है अच्छे से। ये देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। और पसंद आई और दोस्तों हमारी रेसिपी तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए हमने एक तोड़ के दिखाई अंदर का कितना अच्छा टेक्सचर है। बाय दोस्तों।